नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये बहुत महंगा सूट है, इसको कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, मगर ये नीचे के साइड में एक तेल का धब्बा है, ये देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो एक्सल स्टेन रिमूवर है वो बहुत सेफ है, ये डायरेक्टली इसको लगा देंगे। तो दोस्तों, क्वालिटी निकालना इसमें कैसा है कि साड़ी की क्वालिटी कैसे निकलेंगी, या सूट शेरवानी कौन सा भी कपड़ा हो, हम हर कपड़े की क्वालिटी कैसे निकालेंगे ऐसा पूछा जाता है। तो उसमें बहुत मेन पार्ट तो ये होता है कि क्वालिटी बचाओ, क्वालिटी निकालना दूसरी बात है, पहले क्वालिटी बचाना पहली बात है। अभी इसको अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, मशीन में घुमाएंगे तो इसके धागे निकलेंगे, ये देख सकते हैं। क्वालिटी बचाना पहली बात होती है। ये जो धागा निकला है, सिर्फ ये बटन टच हो गया है, ये जो हुक टच हो गया है तो इतना ही निकल गया है। तो इसको मशीन में घुमाना नहीं, कुछ नहीं है, इसकी क्वालिटी बचाना पहली बात होती है और क्वालिटी निकालना दूसरी बात होती है। चलो, इसकी क्वालिटी कैसे बचाएंगे हम, इसकी क्वालिटी हम बचाएंगे सेफ केमिकल से। इसमें हम सोडा ऐश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे। ये जो डस्ट लिफ्टर प्लस है, हम इसमें NID डाल दिया है, अभी डालेंगे डस्ट लिफ्टर प्लस, और फिर क्या करेंगे, थोड़ा कलर गार्ड डालेंगे। तो हमने इसकी पहले क्वालिटी बचाई। क्वालिटी कैसी बचाई हमने, कि इसमें कोई सोडा यूज नहीं किया हमने, या फिर इसमें कोई ऐसे पावरफुल केमिकल नहीं यूज किए जिससे कि इसकी क्वालिटी को नुकसान हो जाए, पहली एक बात। दूसरी एक बात, हमने इसी को मशीन में नहीं चलाया, क्योंकि क्या है, अगर इसको कौन से भी मशीन में चलाते तो ये खराब हो जाता, क्योंकि इसके जो धागे हैं बहुत नाजुक है। तो इसी तरह से पहले हमने क्वालिटी इसकी बचाई है। अब बात आती है क्वालिटी निकालने की। तो क्वालिटी निकालने में ये जो इसकी टिकली है, ये टिकली पे हमार को ये स्टीम प्रेस करना पड़ेगी। दोस्तों, स्टीम प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी निकलेगी। हर केमिकल को थोड़ा चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या था, तेल का धब्बा था। तो इसके लिए पहले एक्सल स्टेन रिमूवर लगाया, इसी से धब्बे का तेल कट गया, या फिर हल्दी कुछ होगा तो फिर ये हमने ऊपर से यूज कर दिया। अभी ये नॉर्मली दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ये पार्ट को हम धूप में डालेंगे वॉश हो जाने के बाद में, और ये पूरा निकल जाएगा। अभी 95% निकला है, क्योंकि ये कपड़ा भी ऐसा है सिर्फ हम हाथ से मसल सकते हैं इसको, कोई ब्रश नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो लास्ट के पानी में क्या करेंगे, हम सॉफ्ट प्लस डालेंगे। पहले इसकी हमने क्वालिटी बचाई है दोस्तों, कोई भी ऐसा केमिकल ना यूज करके, और हम इसकी क्वालिटी निकालेंगे। क्वालिटी कैसी निकलेंगी दोस्तों, इसको स्टीम प्रेस करना पड़ेगी, क्वालिटी इसको कहेंगे। इसको इसके धागे खराब नहीं हो गए, इसके जो ये मनी है ये खराब नहीं हो गए, इसको क्वालिटी कहेंगे। और बाद में स्टीम प्रेस करेंगे, जिससे इसके जो टिकली है, टिकली धागे नहीं खराब हो जाएंगे, जैसे को वैसा फ्रेश दिखेगा, हम उसको क्वालिटी कहेंगे दोस्तों। कस्टमर देखेगा ये दाग निकल गया है क्या, पहले दाग के लिए डाला था, तो कस्टमर देखेगा ये दाग भी निकल गया है, 99% टू 100% दाग निकल गया है। फिर देखेगा कि कुछ डायमंड वगैरह तो नहीं खराब हो गए, ये देखेगा, और फिर देखेगा क्लीन हो गया है क्या, किधर ऐसी मैल तो नहीं है, ये देखेगा,
और फिर कई धागे तो खराब नहीं हो गए, ये देखेगा। इसको पूरी प्रोसीजर को मिलकर क्वालिटी बनेगी दोस्तों। अभी हमने हेडरो में डाल दिया है, निचोड़ने के बाद आपको दिखाएंगे। तो हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से फ्रेश हो गया है, कोई भी डैमेज नहीं हो गया है कहीं पे भी। और ये जो तेल का डब्बा था ये नॉर्मली दिख रहा है, और इसको क्या करेंगे, धूप में डालेंगे, वो भी पूरा निकल जाएगा। इसी तरह से क्वालिटी बचाना पहली बात होती है, और फिर क्वालिटी निकालना दूसरी बात होती है। ऐसे महंगे कपड़ों का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, और इसमें मेहनत भी नहीं होती, मगर इसको सही तरीके से काम करना पड़ता है। और इसके लिए कोई भी हैजर्ड केमिकल या रफ केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट मगर स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमने NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड और लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस यूज़ किया, और बेहतरीन क्वालिटी निकाली है। अब इसको हम करेंगे स्टीम प्रेस और कस्टमर को दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।